ग्वालियर में हिंदू महासभा ने नाथूराम गोडसे की मूर्ति वापस करने के लिए एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान बड़ी संख्या में हिंदू महासभा के नेता मौजूद रहे। ग्वालियर के गोरखी स्थित एसडीएम कार्यालय का घेराव करते हुए हिंदू महासभा ने प्रशासन द्वारा जब्त की गई नाथूराम गोडसे की मूर्ति को वापस करने की मांग की। गौरतलब है कि जिला प्रशासन द्वारा नवंबर 2017 में दौलतगंज स्थित हिंदू महासभा के निजी भवन में लगी नाथूराम गोडसे की प्रतिमा को जब्त किया गया था। इस दौरान हिंदू महासभा ने कहा कि कांग्रेस के कारण देश का विभाजन किया गया, इसलिए हम कांग्रेस को आईना दिखाना चाहते हैं। हिंदू महासभा ने कहा कि अगर मूर्ति वापस नहीं की गई तो हिंदू महासभा के कार्यालय में नाथूराम गोडसे की नई मूर्ति स्थापित की जाएगी। देखिए, अखिल भारत हिंदू महासभा ग्वालियर ने 15 नवंबर 2017 में अपने निजी भवन में हुतात्मा नाथूराम गोडसे जी की प्रतिमा को स्थापित किया था। हमारा उद्देश्य युवा पीढ़ी को भारत का विभाजन करने वाली कांग्रेस सरकार की आईने को दिखाना है, जिसमें 10 लाख से अधिक हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, उनको बेघर किया गया, उनकी संपत्तियों को लूटा गया। वो सारी घटना जब हुई है, उसका सारे का सारा दोष कांग्रेस के मोहन चंद करमचंद गांधी, जिन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर इस देश का विभाजन होगा। 1945 में ये शब्द कहा, लेकिन 1947 में वो कौन सा कारण बन गया जो देश का विभाजन स्वीकार करते हुए गांधी जी ने इसका देश को दो भागों में बंटवा दिया। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।